गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उत्तराखंड में आज यहाँ पर बीपीडी वाली जो पेपर था, इसमें अन्य पोस्ट रखी थी, 200+ आपकी पोस्ट थी। तो इसका पेपर हुआ था 11। आपको यहाँ पर ये प्रश्न भी दिखा होगा, कई प्रश्न आपके गढ़वाली कुमाऊँ से ज़्यादातर, जिन्होंने भाषा की समझ है अच्छे से, या कुछ चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आध आंसर भी मिले हुए हैं मुझे, जैसे कि इनके आंसर थोड़ा नेट में आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये इसके लिए पर्टिकुलर बुक है, आपको बुक भी बता दूंगा मैं यहाँ पर देखिए। जैसे ये वाले क्वेश्चन आया था, इसका मतलब थी पत्नी की प्रधानता का लेकर था, ठीक है। जैकी जो है नए वे को क्वेक नए वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। साथ में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन था यहाँ पर, जिकल कमची उड़िया जी करीब है। तो ये आप लोग देखते हैं, इसका ये बुक ही है यहाँ पर, ठीक है। ये उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश है, इसका आंसर ही आप लोग देखिए। यहाँ पूरी बुक है, यहाँ पर जो संपादक है उमा भट्ट करके हैं, चंद्रकला रावत करके हैं, इसमें कुमाऊँनी गढ़वाले आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो ये बुक खरीद पाता है उसके लिए भी ठीक है, क्योंकि आगे आगामी जितने भी एग्जाम होंगे UK 3SC, वो कुमाऊँनी गढ़वाली वाले जो भाषा से संबंधित प्रश्न है जरूर डालेगा। तो आप ये भी ले सकते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुमाऊँनी गढ़वाली वाला। तो ये आपके हैं, जो कि पेपर का रिव्यू अगर बात करूँ तो कट ऑफ यहाँ पर कम ही जाएगी आपकी, ठीक है। और शाम तक क्या पता आंसर की आपके ऑप्शन निकल जाए, और कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पर गूगल में भी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आंसर की बता भी नहीं रहा मैं, ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद शाम तक पता चल ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कट ऑफ जो है कम ही रहेगी, ठीक है। वैसे तो जिस हिसाब से लग रहा है कि आपका रीजनिंग तो इजी था ही, ठीक, कंप्यूटर भी ठीक ही थे, उत्तराखंड भी ठीक ही था, तब आपका GS में हो सकता है, क्योंकि ऐसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दे दिए थे जिसमें कई लोग जो है कन्फ्यूजन हो गए थे। दूसरा जो है हिंदी के सेक्शन में, जो हिंदी का सेक्शन तो छोड़िए, यहाँ पर जो है कुमाऊँनी गढ़वाली का सेक्शन समझ लीजिए, तो उनमें दिक्कत हुई होगी कई लोगों को, वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है जिनका खराब गया होगा वो थोड़ा दिक्कत रह सकता है। इसीलिए आपकी कट ऑफ जो है कम रहेगी, दो फैक्टर है इसके कम होने के, एक तो जो GS था वो थोड़ा हार्ड थी, और दूसरा यहाँ पर जो गढ़वाली कुमाऊँनी के वाले जो शब्द थे वो ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, बाकी तो आपका नॉर्मल ही था, उत्तराखंड भी नॉर्मल था जी, और बाकी जो रीजनिंग वाला था वो भी सही था आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है गड़बड़ा सकता है आपका खेल, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कट ऑफ जो है, अगर आपके 65 भी रॉ मार्क बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझिए, ठीक है, सेफ जोन में समझें। और 70+ वाला तो बिल्कुल जो है डेफिनेटली आपका होना तय है, और 65 वाला फिलहाल जो है सेफ जोन में, बिल्कुल समझे कि 65 वाला हो सकता है, 60 वाला भी सेफ में आ सकता है कैटेगरी वाइज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 70 वाला तो कन्फर्म ही हो जाएगा, लेकिन 60+ जिसके हैं तो उसके चांसेस भी बन जाएंगे इस पेपर में।